अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्वीट एंड सॉर मज़ेदार सा कोरियन चिकन। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन ले लिया है। मैं चिकन लेग पीसेज यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ किया। सबसे पहले इसको हम लोग स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले इसका पहला स्टेप करते हैं, उसमें हम लोग इसको कट लगाएंगे चिकन को। मैं चिकन लेग पीसेज यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चिकन का थाइज, कोई विंग्स, या वैसे ही आप मिक्स जो चिकन के पार्ट्स होते हैं, चिकन की बोटियाँ होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इनको बस डीपली हमने कट्स लगा लेना है और इसको हम लोग अब करेंगे मैरिनेट। बिल्कुल सिंपल से मसाले लगाएंगे हम लोग, कोई ज़्यादा नहीं करेंगे। ये बहुत यम्मी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और काली मिर्चों का पाउडर जो था वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे हम लोग, वो डाल दिया मैंने इसमें। अच्छे तरीके से इसके कट्स में और पूरे चिकन पे अच्छे तरीके से बिल्कुल कोट कर देंगे इसको, और इसको हम लोग 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब जब तकरीबन 2 घंटे मैरिनेशन को हो चुके होंगे तो हम लोग इसकी कोटिंग रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप कॉर्नफ्लावर लिए, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून चीनी का लिए, और इन सारी चीज़ों को अब हम लोग कॉर्नफ्लावर के अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ। ये भी कोटिंग है उसकी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैदा लिया और उसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसको अब हम लोग थोड़े थोड़े करके इसमें पानी ऐड करेंगे। इसका बिल्कुल थिक नहीं और बिल्कुल पतला भी नहीं, इसका हम लोग एक लिक्विड सा बैटर रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, एक पेस्ट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। जब वो रेडी हो जाए, अब आपके दोनों कोटिंग्स रेडी हैं। अब आपने चिकन ले लेना है और उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक चिकन का पीस उठा के उसको पहले वेट बैटर में डिप करें फिर ड्राई बैटर में डिप करें, लेकिन मैं ये ज़्यादा इजी समझती हूँ कि मैं पहले सारे चिकन को वेट बैटर में डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ कि अच्छे तरीके से वेट बैटर कोट हो जाए। आपको जिस तरह ईजी लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। अब मैं वेट बैटर से उठा के ड्राई बैटर में डाल रही हूँ और सबको अच्छे तरीके से कोट कर रही हूँ। आपने प्रेस कर करके कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से उस पर कोट करना है उसके कट्स में, कि एक अच्छी सी लेयर आ जाए उसके ऊपर। तरह हम वेट बैटर से उठा उठा के सारे पीसेस को ड्राई बैटर से कोट कर लेंगे। उसके कट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कैसे मैं अच्छे तरीके से कोट कर रही हूँ। आपको जो तरीका इजी लगता है, अगर आपको ये तरीका इजी लगता है कि आप पहले वेट बैटर में डिप करें और फिर ड्राई बैटर में, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम सेविंग प्रोसेस है जो मैंने किया, कि इसमें आप बिल्कुल सारे पीसेस को अगर आप वेट बैटर में डाल देंगे तो जल्दी ज़रा काम हो जाएगा। बिल्कुल प्रेस कर करके आपने उसे कोट करना है कॉर्नफ्लावर को, और इसी तरह सारे पीसेस को हम कोट कर देंगे। अब सारे पीसेस अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। अब हम लोग करते हैं इसकी फ्राइंग। अब यहाँ पे ले लिया मैंने ऑयल और इसको गरम कर लिया मैंने, पहले से प्री हीटेड ऑयल है। अब इसमें मैं चिकन पीसेस डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैं चिकन पीसेस अंदर डाल रही हूँ तो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तकरीबन ये 10 मिनट्स लेंगे, 10 to 12 मिनट्स में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसका हमने लाइट सा गोल्डन कलर करना है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 10 टू 12 मिनट्स गुजर चुके हैं, हल्का सा इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी कि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना, हाई फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि चिकन अंदर से भी कुक होना चाहिए, क्योंकि रॉ चिकन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसे अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। ये आप देख सकते हैं लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में
और जो बाकी का चिकन होगा उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। और इधर मैंने सारा चिकन फ्राई कर लिया हुआ है और अब मैं इसकी करूँगी डबल फ्राइंग, मतलब कि इसको फिर से फ्राई करूँगी एक दफ़ा। और अब हम लोग बस जल्दी से इसको ऑयल में डालेंगे और तकरीबन 3 to 4 minutes में इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसका बस हमें कलर चाहिए अब, इससे क्रिस्प बहुत अच्छा आता है इसका। अब आपने देखना है कि अच्छा सा डार्क सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे बाहर निकाल लें, चिकन को बहुत जल्दी आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये हो भी गया है, तो इसको मैं ऐसे गोल्डन, अच्छा सा कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया, डार्क गोल्डन सा, आप इसे निकाल लें बाहर। इसी तरह बाकी के सारे पीसेस के साथ हम लोग ऐसे ही करेंगे, अच्छा सा इनका गोल्डन कलर आ जाए तो इनको हम लोग किसी भी प्लेट में निकाल देंगे। और यहाँ पे ये सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया, अब इसको हम लोग रख देंगे थोड़ी देर इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए उसके लिए, और तब तक हम लोग रेडी कर लेंगे इसकी सॉस। ये बहुत इजी सॉस है और बहुत यम्मी बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 cup केचप लिया है और 1/3 cup पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हम लोग एक साइड पर भी रख देंगे मिक्स करके। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 tablespoons ऑयल और 2 जवे लहसुन के लेके उनको अच्छे तरीके से बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया ऑयल में। अब अच्छे से लहसुन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे, जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए लहसुन का तो इसमें हम लोग अब ऐड कर देंगे केचप और पानी का मिक्सचर जो हमने करके रखा हुआ था, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े की सॉस बनती है, स्वीट एंड सॉर, बहुत मज़े की लगेगी आपको। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। और साथ में इसमें जाएगा 2 tablespoons सोया सॉस। अगर आपको ज़्यादा सॉर पसंद है आप थोड़ा सा सोया सॉस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ में इसमें 1.5 tablespoons मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके जो लास्ट इंग्रेडिएंट और मेन इंग्रेडिएंट है वो है हनी, वो मैं 3 tablespoons ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप इसकी जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सेम टेक्सचर सेम फ्लेवर देगी, लेकिन हनी ज़रा फ्लेवर को इनहेंस कर देती है। यहाँ पे मैंने 3 tablespoons हनी ऐड कर दिया, पहले 2 tablespoons किया था और अब ये 1 tablespoon और 3 tablespoons हनी। और बस अब इसको हम लोग कुक करेंगे। ये आपने सब कुछ हाई फ्लेम पे करना है कि बस आपकी सॉस ऐसे, ये आप देख सकते हैं कि थिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी क्योंकि इसको हम लोग कोट करेंगे चिकन के ऊपर, तो अगर बहुत ज़्यादा थिक होगी तो वो कोट नहीं होगी अच्छे तरीके से, और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए कि चिकन को सॉफ्ट कर दे। इधर आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको हिला के दिखा रही हूँ चिकन की कितनी अच्छी क्रिस्प की आवाज़ आई है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो हमने सॉस रेडी की है, बस आप गरम गरम ही ऐड कर देंगे तो वो अच्छे तरीके से कोट हो जाएगी, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से कोट कर दे जिस तरह भी आपको इजी लगता है। ये बहुत मज़े की बनती है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। बस अब इसको हम लोग डिश आउट कर देंगे अच्छे तरीके से कोट करके, उसके ऊपर हम लोग सेसमी सीड्स, आपके पास तिल पड़े हों वो डाल दें, और बहुत मज़े के बनेंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।